समाज में बढ़ रहे नशे के विरुद्ध कैथल के गांव देवीगढ़ में यूथ वीरांगनाओं द्वारा नशे के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली को देवीगढ़ के सरपंच द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई। इस रैली में सैकड़ों यूथ वीरांगनाओं ने भाग लिया और पूरे गांव में घूमकर हाथों में नशे के विरुद्ध बैनर लेकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। सैकड़ों युवतियों ने गाँव वालों से नशे से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराया और गाँव वालों से नशा छोड़ने की अपील करी। ये रैली पूरे देवीगढ़ गाँव से होते हुए एक सरकारी स्कूल में पहुंची। वहां इन यूथ वीरांगनाओं द्वारा स्कूल नशे के खिलाफ सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें दो स्कूली विद्यार्थियों ने सबके सामने नशा छोड़ने की बात कही। बताया जा रहा है कि जिन दो विद्यार्थियों ने सबके सामने स्वीकार किया कि हम आगे से नशा नहीं करेंगे, उनमें से एक विद्यार्थी स्मैक के नशे का आदि था, जबकि दूसरा विद्यार्थी दिन में 2 डिब्बी सिगरेट की पी जाया करता था। उन्होंने यूथ वीरांगनाओं की नशे से नुकसान होने वाली बातें सुनकर नशा छोड़ने का प्रण लिया। यूथ वीरांगना की जिम्मेवार पूजा ने बताया कि हमारी यूथ वीरांगना एक संस्था है जो समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ प्रदर्शन करती है। महिला संस्था एक ऐसी संस्था है जो पुरुष प्रधान देश में महिला होते हुए ये कदम उठाए हुए है कि इस धरती से नशे को उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे। इनका ये प्रयत्न प्रत्येक दिन हर रोज ये गली गली कुचे कुचे में जाकर ये आवाज उठाती है कि नशे को अगर आज ना त्यागा तो कैंसर जैसा भयानक रोग आपके घरों में आ जाएगा, जो आपकी जान लिए बिना आपके घरों से नहीं जाएगा। तथा इसी के साथ कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ समय समय पर रैली निकालकर लोगों को जागरूक करती है और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाती है। उन्होंने आगे बताया कि हम आगे भी समाज में बढ़ रहे नशे के खिलाफ रैली निकालते रहेंगे। इस रैली में पूजा, अनीता, पूनम, रूबी, गीता, कंचन, सुनीता, ममता के साथ सैकड़ों यूथ वीरांगनाएं मौजूद थी। जो इनकी सोच है, जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, अगर वो इफेक्टेड लोगों की समझ में आ गया, जो बीमारियां इन्होंने बताई पता तो है हमारे को, लेकिन अवेयर नहीं है उसके बारे में। अब जो भी लोग समाज में बीड़ी सिगरेट हुक्का दारू जो भी पीते हैं उनको पता है इस चीज का कि भाई इससे बीमार होंगे, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। और जैसे इन्होंने बताया कि भाई अगर हम सब मिलके एक मिशन बनाए और हमारे समाज में से ये बुराई मिटाने का संकल्प लें तो कोई ऐसी समस्या है नहीं। करना क्या है, जैसे बताया इन्होंने कि भाई हम सब अपने घरों में जाएं और अपने पेरेंट्स को, भाई बहन को, जो भी चीज का नशा करते हैं उनको ये बताएं कि इनमें क्या है। अगर उनके दिमाग में आ गई कि भाई इसमें ये चीजें मिली हुई है तो शायद वो अपना इरादा चेंज कर दें, बदल दें।